याद रखिएगा, पेड़ कभी भी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैंने तीन लोगों को हमेशा परेशान देखा है, पहला वफादार, दूसरा मददगार और तीसरा दिल का साफ। बाकी दोगले और चापलूसों को हर जगह फिट और परफेक्ट देखा है। जितना है पास उसका मजा लीजिए, लोगों की बातें कभी दिल पर ना लीजिए, चाहे जिधर से गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। किसी ने क्या खूब लिखा है, खुशियां आए जिंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, और जब गम आए तो वह भी खा लेना दवाई समझकर। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, क्योंकि इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, और अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। जब किसी की रूह में उतर जाता है मोहब्बत का समंदर, तब लोग जिंदा तो होते हैं लेकिन किसी और के अंदर। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखिएगा, पिस्ती बहुत अच्छे से है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए यह मन शत्रु के समान कार्य करता है। काम, क्रोध और लोभ, यह नरक के तीन द्वार हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।